हैं गौरी शंकर मंदिर में, जहां पर क्रेन की मदद से पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की ओर से जगाधारी गौरी शंकर मंदिर में बिना नगर निगम की अनुमति के काटे जा रहे पेड़ों को काटने से बचाया गया। गौरी शंकर मंदिर में पर्यावरण मित्र फाउंडेशन के प्रेसिडेंट चिराग सिंघल मौजूद थे और मंदिर प्रशासन की ओर से मौजूद व्यक्तियों से बात करने पर पता चला कि पेड़ों की छटनी चल रही है, लेकिन इसके लिए भी नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि नहीं ली गई। वहीं चिराग सिंघल ने कहा कि एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्रेन की मदद से पेड़ की छटाई नहीं की जाती। 3 पेड़ों की छटनी की गई, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी शाखाएं काट दी गई, कई क्विंटल लकड़ी काटी गई, जिसका ढेर मंदिर प्रांगण में लगा हुआ है। आप इसको काटो, फिर गिरने की बात हो तो मैं बोलूंगा काटो। आप जाके इसको चेक करो, आप इसको चेक करो कि क्या ये खोखला है। सर हम सिर्फ बाबूजी मंदिर का काम है, हमने घर ले जाने का, हमने सर इतना ही पूछ रहे हैं कि इसकी परमिशन ली गई है। नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं ली, हमने तो पहले एक बार कहा था। मंदिर प्रशासन ने जिला प्रशासन या नगर निगम से कोई भी अनुमति नहीं ली। यहां मौके पर नगर निगम जगाधारी के अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने जानकारी नोट कर उच्च अधिकारियों को देने की बात कही। न्यूज़ डेस्क।